अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, गुस्सा करना इंसानी फितरत में शामिल है, लेकिन जब यही गुस्सा फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े इन सेलिब्रिटीज को आता है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एक्टर और एक्ट्रेस दिखाएंगे जो कि अपने गुस्से पर काबू ना रख सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। यहाँ एक फेस्टिवल में ऋषि कपूर अपने गुस्से पर काबू ना रख पाए और इन मीडिया वर्कर्स पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया। यहाँ इस फोटोग्राफर ने ईश्वरिया राय की कार में बैठते हुए इनके छोटे कपड़ों में तस्वीर ली तो इनके हस्बैंड गुस्सा होने लगे और फोटोग्राफर को फोटो डिलीट करने का कहने लगे। यहाँ मिक्का सिंह को एक शख्स ने मिडल फिंगर दिखा दी और फिर इसको इसकी हरकत पर मिक्का सिंह से थप्पड़ खाना पड़ गया। एक्शन यू कर रहा है, इधर के साथ यहाँ करके बताएं एक्शन। वो जो उंगली में नारा था घर पर दिखा रहा है, शो देना हो करो अभी। हाँ, मेरे को ऐसे करेंगे से। एक रियलिटी टीवी शो के दौरान साजिद खान ने रितेश देशमुख से सवाल पूछ लिया कि आप गे हैं। इस सवाल को सुनकर रितेश काफी गुस्सा हो गए और शो छोड़कर चले गए। एक आर्टिकल छापा था कि रितेश देशमुख इज गे, क्या आप गे हैं और क्या आपका किसी के साथ चक्कर चला है, नेमली मी, ये आपका सवाल। यहाँ सैफ अली खान अपने ड्राइवर से कह रहे हैं कि यहाँ से जल्दी चलो वरना तुम्हें पड़ेगी एक। लगता है अमिताभ बच्चन जी की वाइफ को मोबाइल से फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है। मशहूर रैपर बादशाह के इस लाइव कॉन्सर्ट के दौरान किसी ने इन पर एक बर्फ का टुकड़ा फेंक दिया, जिसके बाद इनके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। क्या फेंका स्टेज पे? क्या फेंका? साला मारूंगा इतना जिसने स्टेज पे फेंका, मैं बता रहा हूँ। ऐसी की तैसी कर दूंगा, जहाँ एंजॉय कर मैं फैमिली के साथ। बर्फ किसने फेंकी है? फेंकने का था, मैं तो बता किसने फेंकी है, किसने है? अपने साथ सेल्फी ले रहे एक फैन पर शाहरुख खान को अचानक गुस्सा आ गया और उन्होंने इस फैन को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। इस सिंगिंग रियलिटी शो में एक कॉन्टेस्टेंट गाने की कुछ लाइंस भूल गया, जिस पर बहस करते हुए मिका और शान आपस में ही लड़ पड़े। ऑडियंस, ऑडियंस को मैं पूछना चाहता हूँ, जो वर्डिंग वो भूली, आपको याद है क्या वर्डिंग भूली है? चारो
मेरी ये नम्र विनती है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, आप जो समझते हैं जो आपको लगता है, या ऑडियंस स्टेज पर आके गाने नहीं आई थी क्या? ऑडियंस से पूछे तो ऑडियंस नेक्स्ट वर्डिंग बता दो क्या थी, मैं पूछ रहा हूँ जो वर्डिंग भूली है आप बताओ ऑडियंस को, किसको पता यहाँ पे? अरे ऑडियंस थोड़ी आया गाना गाने के लिए, ऑडियंस आ रही है क्या? अब ऑडियंस भी पूछ रहा है, पागल हो गया क्या? तो क्या आप दिमाग घर में रखे हो क्या? क्या 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 मतलब आप क्यों बार बार पूछ रहे हो ऑडियंस को? पूछे ऑडियंस को क्या घंटा रख रहा है यहाँ पे? क्यों रखा यहाँ पे गाना? और इसको किस लिए रखा आपने? यहाँ अपनी गाड़ी का पीछा करते हुए फैंस से सलमान खान कुछ ज्यादा नाराज नजर आए। रैपर रफ्तार के कंसर्ट पर एमिवे का फैन आ गया, जिससे रफ्तार एक बार तो उलझ पड़े और फिर इन्होंने झगड़ा करने की बजाय कुछ ऐसी बात कही। हर इंसान को अपना पसंदीदा चुनने का हक है। Listen, it is exactly like in politics, some people like BJP, some Congress, sabko, this is right, we cannot have everybody liking us, we are humans bro, hum sab insaan hain, kal humko koi pasand hota hai, parso koi aur pasand hota hai, farak patao kya hai, ki jiske liye wo lad raha hai na, wo usko stage se mudke bhi nahi dekhta। ये हैं गुस्से से भरे हुए सलमान खान, जो कि मीडिया को देखकर अपना कंट्रोल खो बैठे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।